दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुपेश कांत और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। बता दें आपको इस समय मैं मैनपुरी में हूं। मैनपुरी में बाई इलेक्शन है और पीछे आप देख रहे हैं कि डिंपल यादव वहां पर स्टेज पर पब्लिक को संबोधन कर रही है और तमाम पब्लिक यहां पर मौजूद है। कोशिश करेंगे बात करने की डिंपल यादव से और जानने की किस तरीके का पब्लिक का सपोर्ट मिल रहा हो, किस तरीके का ये मैसेज देंगी जनता को मैनपुरी की। मैम किस तरीके का मैम सपोर्ट यहाँ जनता से मैम मिल रहा है? जनता तो समर्थन दे रही है और मैं सबका धन्यवाद देना चाहूंगी कि जो प्यार सम्मान और स्नेह मुझे जनता से और यहाँ क्षेत्र के लोगों से मिल रहा है। मैम यहाँ की मैम जनता को मैम किस तरीके का मैसेज? तो इसको यही कहे भैया, इनको खींचने दो। हाँ क्या मैम मैसेज मैम अपनी तरफ से जनता को दे रही है और जनता से लगातार मैम क्या बातचीत हो रही है? क्षेत्र का नेता जैसा होता है उस क्षेत्र का जो रूप होता है वैसा ही होता है। नेताजी ने लगातार इस क्षेत्र में काम किया है। समाजवादियों ने जब भी सरकार रही है लगातार इस क्षेत्र के विकास के बारे में सोचा है और मैं समझती हूँ कि जनता इस बार तैयार है नेताजी को सच्चा सम्मान सच्ची श्रद्धांजलि देने। मैम एक बात और कर लूंगा, अभी योगी जी भी आए थे, काफी सारी बातें चाचा को लेकर के बोली है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? फुटबॉल जैसा वर्ड भी यूज कर दिया, ऊपर पेंडुलम जैसा वर्ड भी यूज कर दिया। राष्ट्रीय जी मन से इस बात का जवाब दे चुके हैं और यह हमारा पारिवारिक परिवार है, तो मैं समझती हूँ कि इस तरह की टिप्पणी किसी को भी नहीं करनी चाहिए। तो अभी आप डिंपल यादव को सुन रहे थे, किस तरीके का जनता का सपोर्ट मिल रहा है इस पर उन्होंने बताया और मैनपुरी की जनता को संदेश दिया है। लास्ट में जब मैंने बात की पेंडुलम वाले मुद्दे, पेंडुलम और फुटबॉल वाले मुद्दे पे, जो योगी जी यहाँ पर आए, ये मुद्दा पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मुद्दे पर जब बात की तो उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी ने इस पर बात की है और हंस करके इस पर एक रिप्लाई किया। कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताया। जुड़े रहे 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।